क्या है हीमोग्लोबिन, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, और हीमोग्लोबिन से क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं डॉक्टर राज नरवार और आज हमारा हीमोग्लोबिन का पहला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक खून की मात्रा है, ये हमारे संपूर्ण शरीर में हमारी नसों में पाया जाता है और ये आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, फेरस एस्कॉर्बेट ऐसे बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। जब हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करती है तो उसके संपर्क में आने से ये रेड हो जाता है, इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे शरीर का कलर है वो भी रेड दिखाई देने लगता है और हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य होती है तो हमारा शरीर पूरे तरीके से एक्टिव और स्वस्थ रहता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि महिलाओं में और पुरुष में जो सामान्य मात्रा है वो भी अलग अलग है। जैसे कि महिलाओं के अंदर 11.5 से लेकर ये 15.5 तक इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है और पुरुषों के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू 12-17 मापी गई है। ये हमारी हड्डियों के अंदर तैयार होता है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो से ये तैयार होता है। हीमोग्लोबिन प्रत्येक 3 महीने में नष्ट हो जाता है और नया हीमोग्लोबिन तैयार होता रहता है। इस तरीके से हमारे शरीर में पुराना हीमोग्लोबिन नष्ट होता रहता है और नया बनता रहता है और इसमें जो लास्ट में जब ये नष्ट होता है तो इसके अंदर से आयरन हमारी बॉडी के टूट फूट और रिकवरी के काम आ जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, हीमोग्लोबिन कम होने के क्या कारण है। यदि आप खाना कम मात्रा में खाते हैं, यदि आप अपने खाने में दाल, हरी साग सब्जियां ये सभी प्रॉपर नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, यदि आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो लंबे समय से आपको दवाई खाने पर मजबूर कर रही है तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी होना स्वाभाविक है। यदि आपको कैंसर जैसी कोई भयंकर बीमारी है, इससे भी आपकी जो आरबीसीज हैं वो नष्ट होती हैं, इससे भी आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके अंदर बोन मैरो कम तैयार होता है तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। यदि आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो भी आपको हीमोग्लोबिन कम होगा। इसी प्रकार अगर जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाओं को पीरियड समय पर हीमोग्लोबिन की काफ़ी कमी हो जाती है। और एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और उसमें आपका बहुत सारा ब्लड बह गया है, ये भी एक खून कम होने के का एक मुख्य कारण है। तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी सांस फूल सकती है, आप अगर सीढ़ियाँ चलते हैं या फिर थोड़ी दूर भी चलते हैं तो आपकी सांस फूल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगी, चक्कर आ सकते हैं क्योंकि ब्लड की जो सप्लाई है वो प्रॉपर आपके मस्तिष्क तक नहीं हो पाएगी। और एक आपको किसी भी कार्य करने का मन नहीं करेगा, जैसे कि अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपको ना तो उस कार्य करने का मन करेगा और हो सकता है आप उस कार्य को करने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। हमारा चौथा पॉइंट है कि हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर खून की कमी है या नहीं। तो इसमें हम आंखों के निचले हिस्से को खोलकर देखते हैं, अगर ये प्रॉपर पिंक है या रेड है तो इसका मतलब आपके अंदर हीमोग्लोबिन सही मात्रा में है। यदि इसका रंग सफ़ेद होता है तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। दूसरा, आप अपने नाखून, शरीर, होंठ आदि से पता कर सकते हैं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। अगर ये आपको ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद दिखाई देते हैं और रेड कम दिखाई देते हैं तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तीसरा, इसे हम एक टेस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं जिसमें एक बूंद से भी कम 20 माइक्रोलीटर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कि आपको ऐसी क्या साग सब्जियां, फल फ्रूट खाने चाहिए जिनसे आपको हीमोग्लोबिन मिलता है। आप हरे पत्तियों वाले साग सब्जियां खाएं, आप चुकंदर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, फलों में आप सेब, अनार और खजूर, खजूर अगर आप खाते हैं तो खजूर के अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, इससे भी हीमोग्लोबिन आपका बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। यदि आप नॉनवेज खा लेते हैं तो आप मीट खा सकते हैं, मीट से भी हीमोग्लोबिन काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। साथ में ही आपको अगर आप घर पर एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि आप लोहे की कढ़ाई में खाना प्रॉपर बनाकर खाएं, रोज सुबह शाम लोहे की कढ़ाई में खाना पकाएं, इससे भी आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो आप क्या ट्रीटमेंट लें,
आयरन की टैबलेट्स ले सकते हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, इन्हें आप ले सकते हैं। आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन आते हैं, वो आप ड्रिप के थ्रू अपने आईवी ले सकते हैं। अगर आपके अंदर अचानक से ही हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, या डिलीवरी के टाइम पर आप अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन डाउन चला गया है, ऐसे में आप सीधे ही अपने खून चढ़वा सकते हैं। तो ये तरीके से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, लेकिन आप ये ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के कभी ना पकड़े, क्योंकि डॉक्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन जो डाउन गया है वो किस वजह से गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं।